फ्रेंड्स, हम जो बनाने जा रहे हैं वो है एंजिलाडा का डुप्लीकेट वर्जन, जिसकी वजह से बच्चे सारे सब्जियां प्रोटीन रिच चीज़ें खा सके, इसलिए हमने ये बनाया है। उसके लिए हमें सामग्री चाहिए होगी, वो पहले हम देख लेते हैं। पहले तो हमने ये जो सॉस बनाया वो सॉस चाहिए होगा। उसके बाद ऑनियन, बॉयल कॉर्न, बॉयल राजमा, ये बेल पेपर आप तीनों कलर के ले सकते हो, अगर जो अवेलेबल हो वो भी ले सकते हो, मैंने ग्रीन लिया है। ये पनीर है, मैंने छोटे पीसेस में काटा है, आप लंबे बड़े जैसे चाहो काट सकते हो, कोरिएंडर। और ये है जिंजर, गार्लिक और चिली का पेस्ट है, और नमक। उसके बाद हमें ऑयल ले लेना है पैन में और गैस को ऑन कर देना है। ऑयल गरम हो, आप इसे घी में भी बना सकते हो, घी या बटर भी डाल सकते हो, मैंने ऑयल में बनाया है। तो ये मैंने ऑयल 2 टेबलस्पून डाल दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 डालेंगे। तो पहले हम डालते हैं ओनियन, कॉर्न, राजमा जो मैंने बॉईल कर रखा है, कैप्सिकम, पनीर, सॉल्ट, जरूरत के अनुसार हमने सॉल्ट राजमा बॉईल करते वक्त भी डाला है, तो इस तरह से हमें उसके हिसाब से डालना है। उसके बाद ये पेस्ट हमें डाल देनी है, जिंजर की पेस्ट लेनी है या फिर मैंने जिंजर का पाउडर लिया है, आप जो चाहे ले सकते हो कट करके। उसके बाद हमें इसके अंदर ये सॉस डाल देनी है, आप दूसरा कुछ भी मसाला ऐड कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मसाला आपके पास है घर में है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से मिला, हमें उसे मिलाते हुए अच्छे से सौते कर लेना है। इसके अंदर हमें चाट मसाला भी डालना है थोड़ा सा, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद इसे अच्छे से सौते कर लेना है। हमें एंजिलाडा के वजन के लिए एक ऐसी रोटी ले लेनी है, और उसके अंदर हमने ये जो मसाला रेडी किया है उसे हमें उसके अंदर फिल करना है। तो मैं आपको दिखा, इस तरह से हमें इसके अंदर फिल कर देना है। थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देना है, थोड़ा सा चीज डाल के सजा देना है, और उसके बाद हमें उसे इस तरह से रैप कर देना है, और उसके बाद इसे हमें नॉनस्टिक पैन में सेक लेना है। पैन में ऑयल, बटर या घी लगाकर हमें इस तरह से सेक लेना है, एक तरफ हो जाए तो उसे दूसरी तरफ टर्न कर देना है। इस तरह से हमें टर्न करके दूसरी तरफ भी गोल्डन होने देना है। इसे बार बार पलटना नहीं, एक बार ही अच्छे से हो जाने देना, ताकि उसके बाद ही हमें इसे पलटना, ताकि ये टूट ना जाए। देखिए ये मैंने टर्न कर दिया है, दोनों तरफ अच्छी तरह से सीख गया है। तो इसे हम सर्विंग प्लेट में डेकोरेट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा एंजिलाडा का दूसरा वर्जन, एंजिलाडा रैप रेडी है। दिख रहा है ना कितना टेम्प्टिंग। इसे हमने गार्निश किया है चीज़, कोरिएंडर, टमेटो केचप और छोटी कटी हुई ऑनियन, इसके साथ हमने सर्व किया है। देखिए कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। अगर हाँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।